डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म वारिसों के बारे में। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जहाँ दोस्तों बताएंगे इस मूवी ने कितनी कमाई किया है रिलीज होने के बाद और ये फिल्म हिट हुआ या फिर फ्लॉप हुआ, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। ये दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं वारिसों फिल्म के बारे में। बता दे दोस्तों, ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो वामसी पेड्डे पिलिधारा निर्देशित की गई है। एक साथ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी हरी और आशीष सुलेमान के साथ लिखा गया था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PBB सिनेमा के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में शाम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों, ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी, जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें, इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थायी शीर्षक थालापति के साथ। इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों, ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसम्बर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों, आपको बताते चले, विशाखापट्टनम में जहाँ बेल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया, फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन इस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। यहाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दे, वारिसों को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों, सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों, बता दें, विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। यहाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब तो विजय थालापति को जानती है, जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों, इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसों फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों, ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें। दोस्तों, वारिसों फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र, एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला निस्वामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया, क्योंकि दोस्तों, उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों, उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों, 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों, डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने दो बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों, विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहाँ पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा
दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं, जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो है पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वह पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो है प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं। दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया, जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद। साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे, अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुंचते हैं, जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्य और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है, जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बधाव को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है, तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधर निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और श्रीधारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेड्डे पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 मिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। ये भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को शेट किया गया है। हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेड्डे पेली सर ने हरी और आशीष सुलेमान के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त जो है पदकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के अल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और वेस्नी रेड्डी फिल्म के तकनीकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनंत विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है
बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे, खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए। लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसे उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग, जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों, उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था, इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर ये घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है, ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें आर शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुधा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत, संगीता क्रिस और संयुक्त जो है शनमुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। 26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एचए सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परराम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभ वाणी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहां पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो है हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये 4th शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पेद्दीपल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जाम वाड़े से बचने के लिए इस स्थल के ब्यूरन का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसों की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा
जैसा कि फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें दो फाइल जो सीक्वेंस और दो गानों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसकी वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो दृश्य और एक अंतिम गीत को छोड़कर, जिसे 14 से लेकर 19 नवंबर तक जो है बेल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहां पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था, और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के टेक्निकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहाँ पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2022 को जारी किए गए वारिसु के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दाव को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया। जवाब में दे रहे लोग वहां पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे ट्रोनों में लपेटा गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमें उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था, जहां पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हाँ फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वहीं पे दोस्तों मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा है, विजय शानदार परफॉर्म करते हैं, एक लाइन को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्म संदर्भ भी जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वारिसु को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया, एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा, इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5 में से 3 स्टार अंक दिए और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है, लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वारिसु के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। प्रदीप पल्ली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंट की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों संक्षेप में वारिसु को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को।
सब कुछ मिलाकर दोस्तों क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वारिसु फिल्म को। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक कॉमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी के रिव्यू, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में शाम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थाई शीर्षक थालापति के साथ, इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहां बिल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन इस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे वारिसु को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हां फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसु फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें दोस्तों वारिसु फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने स्वामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने दो बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी माँ सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहाँ पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं।
दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी, स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया, जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद। साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे, अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुँचते हैं, जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है, जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बाधाओं को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है, तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधरा निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और सीरीज धारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेड्डे पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 बिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। यह भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को सेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेड्डे पेली सर ने हरि और आशीष सोलोमन के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त पटकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के अल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और वेस्नी रेड्डी फिल्म के टेक्निकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनन विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई तत्वों शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे, खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसे उन्होंने
महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था, इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदाना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें 8 शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुधा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत, संगीता क्रिस और शनिक जो है सन्मुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। 26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एचजे सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, इसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परराम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहां पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये 4th शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पैदी पल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जामवाड़े से बचने के लिए इस स्थल के विवरण का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसु की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो है फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया।
ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ जिसमें दो फाइल जो सीक्वेंस और दो गानों को छोड़ दिया गया था क्योंकि इस शेड्यूल में छूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसकी वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो 150 और एक अंतिम गीत को छोड़कर जिसे 14 से लेकर 19 नवंबर तक जो है बिल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहाँ पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के टेक्निकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहां पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2022 को जारी किए गए वरिष्ठ के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की एक वर्ग धारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दाव को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया। जवाब में दे रहे लोग वहाँ पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे टोनो में लपेटा गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। ये दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमें उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था, जहाँ पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हाँ फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वहीं पे दोस्तों मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा है विजय शानदार परफॉर्म करते हैं, एक लाइन को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्मसंदर्भ जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वरिष्ठ को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया, एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5 में से 3 स्टार अंक दिए और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वरिष्ठ के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। प्रदीप अली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंट की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों संक्षेप में वरिष्ठ को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को।
सब कुछ मिला के दोस्तों क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे वारिसु फिल्म को। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक कमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी की रिव्यू बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में साम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थायी शीर्षक थालापति के साथ, इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रदान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहाँ बेल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन एस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे वारिसु को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसु फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें दोस्तों वारिसु फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने सामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने दो बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहां पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो है पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो है प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं।
दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया, जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद। साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे, अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुँचते हैं, जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है, जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बधाव को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है, तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधारा निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और श्रीज धारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेडी पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 मिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। ये भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को शेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेडे पेली सर ने हरी और आशीष सोलोमन के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त जो है पदकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के अल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और वेस्नी रेड्डी फिल्म के तकनीकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनन विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे।
खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसे उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था, इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें आर शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुदा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत संगीता क्रिश और श्रृंग जो है सन्मुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। 26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश जो है वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एजे सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परराम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहाँ पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो है हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये 4th शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पैदी पल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जामवाड़े से बचने के लिए इस स्थल के ब्यूरन का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसों की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि
इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ जिसमें दो फाइल जो सीक्वेंस और दो गानों को छोड़ दिया गया था क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसकी वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो 150 और एक अंतिम गीत को छोड़कर जिसे 14 से लेकर 19 नवम्बर तक जो है बेल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहाँ पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के टेक्निकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहां पे कुछ सीन जो शूट किया गया था। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2022 को जारी किए गए वरिष्ठ के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दावों को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया। जवाब में दे रहे लोग वहां पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे ट्रोनों में लपेटा गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। ये दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमें उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था, जहाँ पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हाँ फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वहीं पे दोस्तों मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा है विजय सदार परफॉर्म करते हैं, एक ला इलान को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा संदर्भ जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वारिसु को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया, एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5 में से 3 स्टार अंक दिए और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वरिष्ठ के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। पैदी पली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंड की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों संक्षेप में वारिसु को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को। सब कुछ मिला के दोस्तों क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वारिसु फिल्म को। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक कमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी के रिव्यू, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में शाम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थाई शीर्षक थालापति के साथ। इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहां बेल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन इस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे वारिसु को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हां फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसु फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें दोस्तों वारिसु फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने स्वामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने दो बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहां पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो है पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो है प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं। दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया।
दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया, जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद, साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे, अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुंचते हैं जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है, जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बधाव को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है, तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधर निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और श्रीधरा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेड्डे पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 बिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। यह भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगी, क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को शेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेड्डे पेली सर ने हरी और आशीष सोलोमन के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त जो है पदकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के एल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और वेस्नी रेड्डी फिल्म के तकनीकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनंत विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे। खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसे उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था। इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया।
अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर ये घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है, ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदाना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें आर शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुधा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत, संगीता क्रिस और संयुक्त जो है सन्मुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। 26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एजे सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परारम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहाँ पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो है हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये 4th शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पेद्दीपल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जाम वाड़े से बचने के लिए इस स्थल के ब्यूरन का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसों की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें 2 फाइल जो सीक्वेंस और 2 गानों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसके वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो दृश्यों और एक अंतिम गीत को छोड़कर, जिसे 14 से लेकर 19 नवम्बर तक जो है बेल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहाँ पे शेड्यूल के दौरान
एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवम्बर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों, फिल्म के टेक्निकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहां पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था। इसके बाद दोस्तों, 21 जून 2022 को जारी किए गए वरिष्ठ के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दाव को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया। जवाब में दे रहे लोग वहां पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे ट्रोनों में लपेटा गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमें उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था, जहां पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हाँ फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वहीं पे दोस्तों, मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा है, विजय संदार परफॉर्म करते हैं, एक ला इलान को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्म संदर्भ जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वारिसु को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया, एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा, इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5 में से 3 स्टार अंक दिए और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है, लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वरिष्ठ के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। प्रदीप पल्ली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंड की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा, ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों, संक्षेप में वारिसु को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को। सब कुछ मिला के दोस्तों, क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है, तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वारिसु फिल्म को, तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, एक कॉमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी के रिव्यू बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फैंस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फैंस, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में शाम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं।
दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थाई शीर्षक थालापति के साथ। इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहां बिल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन एस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे वारिसों को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें। दोस्तों वारिसी फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने सामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने दो बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहां पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं। दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद। साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुंचते हैं जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है।
जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बधाओं को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों, विजय धारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधरा निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और श्रीज धारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेडी पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 बिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। यह भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगे क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को सेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेड़े पेली सर ने हरि और आशीष सोलोमन के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त जो पदकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन केएल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और विष्णु रेड्डी फिल्म के टेक्निकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनन विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे। खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया। इसे उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था। इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी।
जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें आर शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुधा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत, संगीता क्रिस और शनक जो है सन्मुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। 26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एजे सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परराम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहाँ पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो है हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये 4th शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पैदी पल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जाम वाटे से बचने के लिए इस स्थल के ब्यूरन का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसु की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दूरभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो है फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें 2 फाइल जो है सीक्वेंस और 2 गानों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसकी वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो दृश्यों और एक अंतिम गीत को छोड़कर, जिसे 14 से लेकर 19 नवंबर तक जो है बेल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहां पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के तकनीकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहां पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था।
इसके बाद दोस्तों 21 जून 2022 को जारी किए गए वरिष्ठ के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की एक वर्ग धारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दाव को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया। जवाब में दे रहे लोग वहां पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे टोनो में लपेटा गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमें उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था। जहाँ पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हाँ फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वैसे दोस्तों मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा है विजय संदार परफॉर्म करते हैं, एक लाइन को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा संदर्भ जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वारिसु को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया। एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5 में से 3 स्टार अंक दिए और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वरिष्ठ के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। पैदीपली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंट की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों संक्षेप में वारिसु को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को। सब कुछ मिला के दोस्तों क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे वारिसु फिल्म को, तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक कॉमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस मैं लोग को बता दूं मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी के रिव्यू बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ, दोस्तों यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में साम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ही बात निराश करता है।
आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थाई शीर्षक थालापति के साथ, इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रदान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहां बेल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन एस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे ओवारिसु को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारे तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें, दोस्तों वारिसी फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने स्वामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने 2 बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहाँ पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो है पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वह पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो है प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं। दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद। साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे, अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते, राजेंद्र विजय के पास पहुंचते हैं जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं लेकिन विजय बाधाओं को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं।
विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधारा निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और श्रीधारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेडी पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 बिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। ये भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगे क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को शेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेडे पेले सर ने हरी और आशीष सोलोमन के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त जो है पदकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों स्नेपटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के अल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और वेस्नी रेड्डी फिल्म के तकनीकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनन विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन करता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे। खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसमें उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था। इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदाना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें आर शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुधा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत
संगीता क्रिस और सनम जो है सन्मू खान के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। 26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश जो है वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एजे सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परारम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहाँ पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये 4th शेड्यूल होने वाला था फिल्म का। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पैदी पल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जामवाड़े से बचने के लिए इस स्थल के विवरण का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसों की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो है फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें 2 फाइल सीक्वेंस और 2 गानों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसकी वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो दृश्य और एक अंतिम गीत को छोड़कर जिसे 14 से लेके 19 नवंबर तक जो है बिल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहां पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के टेक्निकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहाँ पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2022 को जारी किए गए वारिसु के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दावों को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया।
जवाब में दे रहे लोग वहां पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे ट्रोनों में लपेटा गया था। वारिसों को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमे उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था। जहाँ पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हाँ फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वहीं पे दोस्तों मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5/3.5 स्टार दिया और लिखा है विजय शानदार परफॉर्म करते हैं, एक ला इलान को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्म संदर्भ जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वारिसु को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया, एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5/3 स्टार अंक दी और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वरिष्ठ के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। पैदीपली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंड की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों संक्षेप में वारिसु को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को। सब कुछ मिला के दोस्तों क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वारिसु फिल्म को, तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक कॉमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी की रिव्यू बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ, दोस्तों यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में शाम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थायी शीर्षक थालापति के साथ, इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रदान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहां बेल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन इस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे वारिसु को पोंगल के हफ्ते
11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हां फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें, दोस्तों वारिसी फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने स्वामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने 2 बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहाँ पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो है पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो है प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं। दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद। साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुँचते हैं जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बधाव को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार।
इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधर निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराजू और सुरेश धारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेड्डे पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 बिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। ये भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगे क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को शेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेड्डे पेली सर ने हरी और आशीष सोलोमन के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त पटकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के अल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और वेस्नी रेड्डी फिल्म के तकनीकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनंत विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे। खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसे उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग इसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था। इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बेस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदाना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें आर शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुदा की पुष्टि किया और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत संगीता क्रिस और स्नेह जो है सन्मुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था।
26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एजे सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परराम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया। यहाँ पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो है हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये चौथा शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पैदी पल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जाम वाड़े से बचने के लिए इस स्थल के ब्यूरन का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसों की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें 2 फाइल जो सीक्वेंस और 2 गानों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसकी वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो दृश्य और एक अंतिम गीत को छोड़कर, जिसे 14 से लेकर 19 नवंबर तक जो है बेल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहां पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के टेक्निकी दल ने संगरार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहां पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2022 को जारी किए गए वरिष्ठ के पहले पोस्टर की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी, जिसमें ऑटो जो है यानी कि क्लोदिंग बोर्ड के विज्ञापनों से चोरी का आरोप लगाया गया और अपने जो है दाव को मजबूत करने के लिए पोस्टरों को संपादित भी किया गया। जवाब में दे रहे लोग वहां पे ट्रोल्स के लिए कंपनी ने दावा किया था कि छवि किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं है। फिल्म के लिए बाहरी प्रचार दिसंबर 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ। फिल्म के पोस्टर को चेन्नई में मेट्रो और वहीं पे ट्रोनों में लपेटा गया था।
वारिसों को 11 जनवरी 2023 को पोंगल के हफ्ता में रिलीज किया गया। दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिलियन में बेचे गए, जिसमें उपग्रह डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार भी शामिल था। जहां पे फिल्म के थिएटरिकल अधिकार 139 करोड़ में बेचा गया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 17 मिलियन में बेचे गए थे। सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को खरीदा 70 करोड़ में, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 8.8 मिलियन हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 मिलियन हो जाते हैं। जी हां फैंस, दोस्तों इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग के बारे में हम बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचा गया है। फिल्म का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। हिंदी संस्करण का प्रीमियर 8 मार्च 2023 से किया गया था। वहीं पे दोस्तों मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संगठन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा है विजय शानदार परफॉर्म करते हैं, एक लाइन को क्रैक करते हुए हमें एक मुस्कान में तोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आत्मसंदर्भ भी जो है घुसे और बनाते हैं और जहाँ पे भावुक जो क्षणों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बताया गया कि प्रेम जो है उदय भानु ने वारिसों को फॉर्मूला युग की वापसी किया, जिसके वजह से पारंपरिक जो है पारिवारिक मूल्यों का एक मिश्रण शुरू किया, एक जो है खर्चीला उत्तराधिकारी और व्यापार के साथ जो है विरासत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया गया इंडिया टुडे की लता श्रीनिवास ने कहा इस फिल्म को सबसे पहले उन्होंने देखा और रिव्यू किया, 5 में से 3 स्टार अंक दी और लिखा, हालांकि ये फिल्म कुछ तेलुगु फिल्मों की याद तो दिलाता है लेकिन विजय हमें अपनी कॉमेडी और एक्शन से जुड़े रखते हैं फिल्म में। द हिंदू के श्रीनिवास जो है राम नाजुम ने फिल्म के बारे में लिखा, कहा कि वरिशु के साथ जो है स्थिर किए गए कथानक और पवित्र भावनात्मक जो है धड़कनों में काफी बेहतरीन बस जाता है। प्रदीप पल्ली निर्देशन में ये आपके दिमाग में रहता है कि द न्यूज मिंड की प्रियंका थिरुमूर्ति ने इस फिल्म के बारे में अच्छा वर्णित किया और कहा ये मूवी देखने लायक जरूर है। वहीं पे दोस्तों संक्षेप में वारिसो को एक अनुमानित जो है रेटिंग दिया गया, लेकिन सुखद पारिवारिक ड्रामा फिल्म बताया गया है इस मूवी को। सब कुछ मिला के दोस्तों क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये मूवी साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये तो मानने वाली बात है कि फिल्म में अच्छी कहानी है तभी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वारिसो फिल्म को, तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक कॉमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है और जिसमें यही पूछा जाता है कि आप फिल्म को अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी के रिव्यू बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ, दोस्तों यहाँ पे मूवी अपलोड करने का अनुमति नहीं है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना अभिनय करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो शरद कुमार के साथ इस फिल्म में प्रभु जयसुदा और प्रकाश राज श्रीकांत और इस फिल्म में शाम सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है मूवी। तो इस फिल्म में बताई गई कहानी जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को बहुत ये बात निराश करता है। आपको बता दें इस मूवी की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी अस्थाई शीर्षक थालापति के साथ, इसे 66 के तहत किया गया था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म विजय की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी और जिसे 66वीं फिल्म भी कहा जाता है। प्रदान फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुई थी। साथ दोस्तों आपको बताते चले विशाखापट्टनम में जहां बेल्लारी और लद्दाख में इस मूवी की शूटिंग जो है किया गया। फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में भी शूट किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो थमन इस द्वारा फिल्म के गाने को रचा गया है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा संभाला गया है। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे वारिसों को पोंगल के हफ्ते 11 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज किया गया था। दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को।
इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 290 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पे लाइफ टाइम की बात करें तो 310 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और दुनिया भर में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें विजय के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म मानी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप तो विजय थालापति को जानती है जिन्होंने कई सारी तेलुगु फिल्मों में काम किए हैं और दोस्तों इनके नाम से फिल्म हिट हो जाती है। वैसे ही वारिसी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिलीज होने के बाद, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी हमें यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बात करें। दोस्तों वारिसी फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है विजय राजेंद्र एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैग्नेट राजेंद्र पला ने सामी के सबसे छोटे बेटे को अस्वीकार उन्होंने कर दिया और घर से बाहर उनको निकाल दिया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है जिसके वजह से उन्हें अपने घर से निकाला गया है। दोस्तों उन्हें घर से बाहर निकाल देने के बाद इधर दोस्तों 7 साल बाद राजेंद्र को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही समय बचे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर ने बता दिया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 महीने का समय है और वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस का बंटवारा उनके बेटे में हो जाए। अपने दो बड़े बेटों में से एक जया या फिर अजय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अभिषेक करने का फैसला कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जो है उत्सव के दौरान दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा रखते हुए अपने 65वें जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर दोस्तों विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर भी आमंत्रित किया जाता है बहुत मुश्किल से, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानते नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इधर विजय केवल अपने घर को जो है अवस्था में खोजने के लिए वहां पे आते हैं। जय अपनी पत्नी आरती के साथ एक अन्य महिला जो है स्मिता के साथ धोखा दे रहा होता है इसका भी पता चलता है विजय को और इस प्रक्रिया में अपने परिवार की अपेक्षा वो कर रहे होते हैं जिसमें उसकी जो है किशोरी बेटी रिया भी शामिल है। अजय पर जो है फाइनेंसर मुकेश का बहुत ज्यादा जो है पैसा घोटाले करने का आरोप है। जब वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो अपने पिता के व्यापारी जो है प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेबी को अपनी कंपनी के रहस्य लीक करने की पेशकश करते हैं। दोनों बड़े भाई खुद जो है आपस में बात नहीं करते हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जिसका बचपन से ही विजय पर क्रश रहा है। वह कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं राजेंद्र के जन्मदिन समारोह के दौरान जेपी स्मिता और इधर दोस्तों ठीक समारोह के दिन ही दोनों भाई के बारे में खुलासा सामने आ गया। दोनों भाई यानी कि जय और अजय के दोहरेपन का खुलासा कर दिया गया जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। विशेष रूप से आरती जो जय से तलाक के लिए फाइल करने का फैसला कर लिया इस घटना के बाद, साथ ही साथ राजेंद्र जो एक व्यापारिक सौदा पर गए थे अजय के दोहरेपन के कारण जेपी ये महसूस करते हुए कि वह अपने जो है व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकते। राजेंद्र विजय के पास पहुंचते हैं जो शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्र की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इधर दोस्तों ये कहानी ईर्ष्या और निराशा में जय और अजय के घर छोड़ने के बाद शुरू होता है जहाँ पे अध्यक्ष के रूप में विजय को वहाँ पे नामित किया जाता है। जेपी और मुकेश से हाथ मिलाते हैं, लेकिन विजय बधाव को पार करने और बड़े करीन से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय द्वारा रिया को एक मानव तस्करी गिरोह से बचाने के बाद जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विजय आरती और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो है सुलह कर लेते हैं। विजय और जय जो है तब अजय को अपनी कंपनी के शेयर जेपी को बेचने से रोकते हैं। वहीं पे दोस्तों फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाते हैं। अंत में राजेंद्र और सुधा की खुशी के लिए पूरा परिवार अब जो है फिर से मिल जाता है और एक साथ जो है भरपेट भोजन करते हैं सभी परिवार। इधर दोस्तों फिल्म की कहानी अंत में तब खत्म होती है जब राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है तो तीनों भाई एक साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं
और उसकी राख को विसर्जित करते हैं नदी में। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी परिवार जो है परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर किसी का एक ना एक परेशानी जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, ये फिल्म की कहानी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फिल्म को 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा की गई थी। वर्किंग टाइटल के बारे में हम बात करें तो थालापति 66 के साथ किया गया। वामसी पेड्डे पीलीधरा निर्देशित की गई ये श्री वेंकटेश्वर कृष्ण से भी कहा गया था, जहां बताया गया था दिलराज और श्रीज धारा निर्मित किया गया था। पहली तमिल फिल्म है जहां पे पेड्डे पेली की तोजा फिल्म 2016 के बाद दूसरी तमिल में इन्होंने काम किया। पेड्डे पेली सर ने कहा था कि निर्माता ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 बिलियन दिए गए। आपको बता दें यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिलियन का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली। ये भी बताया गया था कि वह दो लुक में नजर आएंगी, क्योंकि फिल्म दो अलग अलग समय में मूवी को सेट किया गया है। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों पेड्डे पेली सर ने हरी और आशीष सुलेमान के साथ कहानी साझा किया और राजू जो है मुर्गन को संवाद लेखक के रूप में साइन किया मूवी के लिए, लेकिन अन्य फिल्म जो है प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इस परियोजना से बाहर होने का विकल्प चुना। बाद में दोस्तों इस फिल्म के लिए मुर्गन सर को अतिरिक्त पटकथा और संवाद के लिए विवेक धारा चुना गया था, लेकिन दोस्तों सिनेमेटोग्राफर कार्तिक जो है पलानी, संपादक जो है परवीन के अल और उनके अलावा प्रोडक्शन जो है डिजाइनर सुनील बाबू और विष्णु रेड्डी फिल्म के तकनीकी दल का हिस्सा थे। दिल राजू सर ने इस फिल्म को 1990 के दशक की विजय के अधिकांश फिल्मों की तरह पारिवारिक केंद्रित बताया, जबकि कई जो है रिपोर्ट में फिल्म के तमिल तेलुगु द्विभाषी होने का अनुमान लगाया गया था। निर्माता ने स्पष्ट किया था कि फिल्म केवल जो है तमिल में ही शूट होगी, जिसके वजह से वरिष्ठ शीर्षक की घोषणा 21 जून 2022 को विजय के 48वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया गया। अनन विक्टन के साथ साथ एक इंटरव्यू में वामसी सर ने दावा किया था कि फिल्म जो है बेस लाइन में एक परियोजना होगी, लेकिन मनोरंजन कर्ता ये कहा था कि फिल्म के शैली के लिए कोई भी विशिष्ट जीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई तत्व शामिल किए हैं फिल्म में और आवश्यक बात यह है कि लक्षित दर्शकों को पूरा करेंगे, खासकर बड़े स्टार जैसे बड़े स्टार के लिए। लिखते समय विजय उन्होंने स्टार अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया, जिसे उन्होंने महसूस किया कि दर्शकों का हर वर्ग जिसमें जो है बच्चे और वरिष्ठ भी शामिल होते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमेशा बाबू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था, और जब अभिनेता फिल्म के लिए साइन नहीं हो पाए तो फिर निर्माता विजय को साइन किया। दोस्तों उसके बाद जो है विजय थालापति को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ भी बात किया गया था। इसी के साथ दोस्तों प्रभास से भी बात किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में अभिनय नहीं किया। अक्टूबर 2021 में प्रकाश राज को बिल्लू के रूप में लिया गया। 2019 के एक दशक से ही अधिक जो है समय के बाद विजय के साथ सहयोग करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनको सूचना मिली। 5 अप्रैल 2022 को रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी गई कि मुख्य अभिनेत्री होंगी रश्मिका मंदाना। सुल्तान फिल्म 2021 के बाद ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म है, ये बताया गया। निर्माता शुरू में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चाहते थे, लेकिन दोस्तों अंत तक उन्होंने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वह सितारों के साथ लगातार नजर आ रही थी, जिसके वजह से दोस्तों हेगड़े ने पहले विजय के साथ बिस्ट फिल्म 2022 में अभिनय किया था। मंदाना की घोषणा के अगले दिन आपको बता दें 8 शरद कुमार कलाकारों में शामिल हो गए थे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। के बाद दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को सामने फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की, और अगले हफ्ता योगी बाबू ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। 5 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के भाग के रूप में प्रभु और जयसुदा की पुष्टि किया, और 2 दिन बाद तेलुगु अभिनेता श्रीकांत, संगीता क्रिस और शनिक जो है सन्मुखन के साथ जून की शुरुआत में सेट पर जो है खुशबू की एक तस्वीर लीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरू में कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था।
26 अक्टूबर को उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। विजय के अनुसार उनकी भूमिका छोटी तो है फिल्म में, लेकिन दोस्तों खुशबू के दृश्यों को लंबाई के मुद्दों के कारण नाटकीय और इसके अलावा जो है कटौती के बाहर रखा गया। 23 अगस्त को गणेश वेंकटरम ने फिल्म में अपनी उपस्थिति पुष्टि कर ली थी, लेकिन दोस्तों सितंबर में श्रीमान को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि किया गया। 24 दिसंबर को फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने घोषणा किया था कि एच.जे. सूर्या एक छोटी भूमिका निभाएंगे, जिसे उन्होंने विजय की खातिर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह में 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके वजह से उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया। वहीं पे दोस्तों ये बताया गया था कि ये ईस्ट कोस्ट के साथ जो है चेन्नई में एक फिल्म सिटी में एक विशेष रूप में निर्मित सेट पर शूट होगा, जिसके वजह से 15 अप्रैल को पूरा हुआ शूटिंग। परराम में 75% शूटिंग और हैदराबाद में करने की योजना थी मूवी की शूटिंग, लेकिन विजय सर ने स्थानीय जो है FEFSI के साथ जो है सदस्यों को लाभवानी करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, जहाँ पे निर्माता ने कथित तौर पर सहमति व्यक्त किया था। और उनके अलावा इन सबके बावजूद जो हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ था और 23 मई तक जो है समाप्त भी हुआ था। चेन्नई शेड्यूल 3 जून को फिर से शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें आवर्ती भाग भी फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे थे। इसमें एक गाने का सीक्वेंस और कुछ जो है टॉकी हिस्से शामिल है। प्रोडक्शन टीम द्वारा जो उठाए गए कड़े उपयोग के बावजूद जो है सेट से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और 15 जून तक जो है टीम ने शूटिंग स्थानों को एक निजी स्थान पर जो स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फिल्मांकन रुक गया था और 23 जून तक जो है 45% फिल्मांकन हफ्ता में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई के महीने में एक और शेड्यूल शुरू होना था और ये चौथा शेड्यूल होने वाला था इस फिल्म का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश की जाए तो जुलाई के अंत में 5वीं जो है अनुसूची में किए गए टीम जो है विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। पैदी पल्ली ने शहर में लाइव के साथ स्थानों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। वहीं पे प्रशंसकों के जामवाड़े से बचने के लिए इस स्थल के ब्यूरन का खुलासा नहीं किया था। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है गिल्ड यानी कि TFPG के 1 अगस्त 2022 से जो है तेलुगु फिल्मों की शूटिंग रोकने के फैसले के बावजूद जो है TFPG के प्रमुख जो है दिलराजू ने आश्वासन दिया था कि वारिसु की शूटिंग जारी रहेगी, क्योंकि ये एक तमिल भाषा की फिल्म थी और दिलभाषी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में निर्माण के दौरान जो है फिल्म के कई चित्र लीक हुए। वहीं पे प्रशंसकों ने प्रोडक्शन हाउस की लापरवाही की आलोचना किया, जिसके वजह से अगस्त 2022 के मध्य में विजय और मंदना की विशेषता वाला एक गीत शूटिंग किया गया। ये आयोजित किया गया था कि इसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था गाने को। दोस्तों इस पूरी टीम ने सितंबर 2022 के अंदर ही जोड़ी और कोरियोग्राफर के साथ एक अन्य गाने को फिल्माने के लिए हैदराबाद चली गई। अंतिम शेड्यूल 25 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें 2 फाइल जो सीक्वेंस और 2 गानों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और भी कई चीजें, जिसके वजह से फिल्मांकन 27 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ। पैच वर्क के बारे में हम बात करें तो दृश्यों और एक अंतिम गीत को छोड़कर, जिसे 14 से लेके 19 नवंबर तक जो है बिल्लारी में शूट किया जाना था। इसके बाद दोस्तों लगभग जो है 10 दिनों तक हैदराबाद में इस मूवी की शूटिंग चली थी, जहां पे शेड्यूल के दौरान एक रिपोर्ट सामने आया था और बताया गया था कि उनकी टीम ने शूटिंग स्थल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया है, लेकिन प्रशंसकों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, जिससे रिपोर्ट को सेट से फुटेज जो है प्राप्त करने से रोका जा सका। फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन नवंबर के मध्य में एक साथ चलाया गया और पूर्ण रूप से पोस्ट प्रोडक्शन का काम दिसंबर तक जो है शुरू हो गया था और ये बताया गया था कि फिल्मांकन पूरा हो जाएगा जल्द ही। लेकिन दोस्तों फिल्म के टेक्निकी दल ने संग्रार्थी के साथ दृश्यों को पकड़ने के लिए लद्दाख की यात्रा की थी और वहाँ पे कुछ सीन जो है शूट किया गया था। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है वारिसु फिल्म को, जिसे 2023 के अंदर 11 जनवरी को तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पे सर्च करके देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसे वंशी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष और सलमान
खान के साथ फिल्म की कहानी भी लिखी थी। वहीं पे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा के तहत फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों 11 जनवरी 2023 को तमिल वर्जन में मूवी को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी आपको हिंदी वर्जन में भी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बजट के बारे में हम बात कर ले तो 200 करोड़ बजट में फिल्म को बनाया गया है। फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात कर ले तो 167 मिनट की ये मूवी बनाई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।